स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, पिछड़ी जाति के लोग अगर आदि पुरुष फिल्म बनाए होते तो अब तक सिर काटने का इनाम घोषित कर दिया जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। आदि पुरुष फिल्म के विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, पिछड़ी जाति के डायरेक्टर ने बनाई होती तो अब तक सिर काटने का इनाम घोषित हो जाता। आदि पुरुष फिल्म विवाद में अब समाजवादी पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। एक निजी चैनल से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर पर जमकर हमला बोला है। इसके अलावा धर्मांतरण पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आदि पुरुष फिल्म सही है या गलत, इसका उत्तर तो समाज के सभी संतों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिक्चर बनाने वाले और डायलॉग लिखने वाले ऊंची जाति के लोग हैं, इसलिए फिल्म का विरोध नहीं किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि जो फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हैं ऊंची जाति के हैं, इसलिए अभी तक फिल्म का विरोध नहीं किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर फिल्म किसी नीचे जाति के व्यक्ति ने बनाई होती तो अब तक उनके सिर काटने का फरमान जारी हो जाता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि फिल्म की भाषा अमर्यादित है। उन्होंने कहा कि फिल्म की भाषा पूरी तरह से अभद्र है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, फिल्म की भाषा गुंडे और ममाली और टपोरी के स्तर की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामायण में भगवान राम को भगवान का दर्जा दिया गया है, जबकि इस फिल्म में भगवान राम को आदि पुरुष कहा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और धर्म के ठेकेदार अब अपने ही आराध्य का मजाक उड़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बोले कि उन्होंने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने कहा कि अब इस तरह की फिल्म बन रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी और धर्म के ठेकेदार चुप हैं। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से जो आदि पुरुष फिल्म आई है दोस्तों, इस पे जम के विरोध हो रहा है। और दोस्तों आपको बता दें, कल तो इसके पोस्टर भी जला दिए हिंदू सेना के लोग हैं, जो दोस्तों हिंदू संगठन है, उन्होंने इसका जम के विरोध किया है। भाई दोस्तों आपको बता दें, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी खुद रामायण जैसे हिंदू धर्म का विरोध किया करते थे, आज वो खुद जो मूवी आई है आदि पुरुष दोस्तों इसका विरोध कर रहे हैं। तो भाई हिंदू संगठन के लोग पूछ रहे हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो उनको हिंदू धर्म से क्या लेना देना, जो कभी खुद हिंदू धर्म के लिए उल्टा सीधा बोले हों, तो आज वो हिंदू धर्म पे जो बनी मूवी है आदि पुरुष उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे, अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।